जैसे निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निर्वध्यम, निरंजनम। वह निराव्यव है, निश्चल है, शांत, निर्दोष और निर्लेप है। अनेज देकम मनसो जव्यः, अडोल, एक मन से बढ़कर वेग वाला है। गीता में इसके विस्तार के साथ वर्णन है, जैसे अच्छेद्यो, अयम दाह्यो, अयम क्लेग्यो, अशोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः, स्थानूर चलो अयम सनातनः। यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य है, तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं कर्ता हूँ ऐसा मान लेता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो हो गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सुयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत द्विपरिवर्तते। हे कौन्ते, मेरी परमात्म तत्व की अध्यक्षता से प्रकृति चराचर जगत को रचती है, इस हेतु से जगत सदा परिवर्तित होता रहता है। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तत् आत्मानां कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष समस्त कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है, अर्थात वही तत्व ज्ञानी है। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निपधरन्ति महाबाहो देहे देहि नम व्ययम्। हे महाबाहो, सत, रज और तम, यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानु पश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावम सो अधिगच्छति। जब पुरुष गुणों के सिवा किसी दूसरे को कर्ता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अतीत परम को तत्व से जान लेता है, वही मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणाने तान तीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतम श्रुते। देह का स्वामी इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे के दुखों से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त होता है। उदासीन वदासीनो गुणेरयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते। जो उदासीन के समान स्थित हुआ गुणों से विचलित नहीं किया जा सकता है और जो गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझकर स्थिर रहता है, चलायमान नहीं होता है। ब्रह्म सूत्र में योग साधन की शिक्षा। आसीनेह संभवात् शंका, उपासना के मानसिक होने से शरीर स्थिति का अनियम है, इस पर बतलाते हैं। समाधान, उपासना किसी आसन से बैठकर करनी चाहिए, क्योंकि एक प्रत्यय का प्रवाह करना उपासना है और उसका चलते या दौड़ते हुए पुरुष में संभव नहीं है, क्योंकि गति आदि चित्त में विक्षेप करने वाले हैं। खड़े रहने वाले का भी मन देह के धारण करने में व्यग्र रहता है, इसलिए वह सूक्ष्म वस्तु के निरीक्षण करने में समर्थ नहीं होता। लेटे हुए का मन भी संभव है कि अकस्मात ही निद्रा से विवश हो जाए, किंतु बैठा हुआ पुरुष इस प्रकार के बहुत से दोषों का परिहार भली भांति कर सकता है, इसलिए उस उपासना का होना संभव है। ध्यानाच, और एक प्रत्यय का प्रवाह करना ही
ध्यायति का अर्थ है और ध्यायति शब्द जिनकी अंग चेष्टाएं शिथिल हो, दृष्टि शिथिल हो और चित्त एक ही विषय में आसक्त हो, उनमें उपचार से योजित होना दिखाई देता है। जैसे कि बगुला ध्यान करता है, जिसका प्रिय विदेश में गया है, वह स्त्री ध्यान करती है। बैठा हुआ पुरुष आयास रहित होता है, इससे भी उपासना बैठे हुए का कर्म है। अचलत्वम चापेक्ष्य और ध्यायतीव पृथ्वी, इस श्रुति में पृथ्वी आदि में अचलत्व की अपेक्षा से ही ध्यायति शब्द का प्रयोग होता है और वह उपासना बैठे हुए का काम है, इसमें लिंग है। समरंति च शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, पवित्र देश में अपना स्थिर आसन स्थापित करके इत्यादि स्मृति वचन से शिष्ट लोग उपासना के अंग रूप से आसन का विधान करते हैं। इसी से योग शास्त्र में पद्मक आदि आसनों का उपदेश है। यत्रे काग्रता तत्र विशेषात, विशेषता न पाए जाने से जहाँ चित्त एकाग्र हो सके उसी देश में बैठकर समाधि लगावे अथवा उपासना करें, अर्थात समाधि अथवा उपासना का संबंध चित्त वृत्ति निरोध से है, किसी दिशा काल और देश विशेष से नहीं। जिस दिशा देश या काल में उपासक का मन सहज ही एकाग्र हो उसी दिशा आदि में उपासना करनी चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा पूर्वांग पूर्व देश की और निम्न स्थान आदि के समान यहाँ विशेष का श्रवण नहीं है, क्योंकि अभीष्ट एकाग्रता सर्वत्र तुल्य है। परंतु कितने ही विशेष भी कहते हैं, यथा समय शुचो शर्करा वहिन वालुका विवर्जते शब्द जलाश्रयाधिभिः मनो अनुकूले न तु चक्षु पीडने गुहानी वाताश्रयणे प्रयोज्येत, सम और पवित्र सूक्ष्म पाषाण वहिन और रेती से वर्जित शब्द और जलाशय आदि से वर्जित मन के अनुकूल और नेत्रों को पीड़ा न देने वाले निर्वात या एकांत प्रदेश में बैठकर योग साधन करें। इस पर कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार का नियम है, परंतु ऐसे नियम के रहने पर भी विशेष में नियम नहीं है। ऐसा सुहृद होकर आचार्य कहते हैं, मनो अनुकूले मन के अनुकूल यह श्रुति जहाँ एकाग्रता है वहीं ऐसा इतना ही दिखलाती है। अपि च संराधने प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, उक्त परमात्मा को कोई धीर पुरुष समाधि दशा में जान सकता है। यह कश्चि धीर प्रत्यग आत्मानाम एकशादावृत चक्षुर मृत्तत्व मिच्छन ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व स्ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः।